जितना भी हमारे यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, तो उन लोगों के लिए है हैप्पी भोगाली बिहू, और अदर स्टेट के लिए है मकर मकर संक्रांति का शुभकामना रह गया है आप लोगों के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट फूड। आज मैं खाने वाली हूँ घी, देसी घी से बनाया गया पराठा। और ये है मिक्स लाई पत्ता का जो ये है इसका थारी, उससे मैंने मिक्स सब्जी जैसा बनाया है। कद्दू और लाई पत का जो थारी है, दंडी है उससे, और आलू और मटर है। और यहाँ पे है, ये है बॉयल साग, मिक्स साग है। बॉयल साग को मैंने मटर के साथ बॉयल किया है, साग को मैंने मटर के साथ बॉयल किया है, और साथ में आलू भी है। ये बॉयल है, पूरा बॉयल है ये, और साथ यहाँ पे टोमेटो भी है। तो खाना शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अरे बॉयल साग से मैं शुरू करती हूँ। मुझे ना साग बॉयल बहुत पसंद है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। यम्मी, आज सब कुछ भेज आइटम है, कभी कभी भेज भी खाना चाहिए इसीलिए। और ये सब कुछ घी पे बनाया गया है, सिवाय इससे ये बॉयल है, और ये दोनों ही घी पे ही बनाया मैंने। बहुत मजा आया है खाने में, अच्छा लगता है ऐसे वेज खाने में, मुझे बहुत पसंद है। नॉन वेज से ज़्यादा पसंद है मुझे वेज खाना, और साथ में गर्मा गर्म सब्जी और रोटी के साथ। नॉर्थ ईस्ट के लोग बोलो तो जानते ही है लाईपात के बारे में, और यहाँ का जो फेमस फूड है पोर्क विथ लाईपात, बहुत चलते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं खाने में। मैं नहीं खाया क्योंकि मैं पोर्क नहीं खाती हूँ, इसीलिए।
किसको किसको साग बॉईल पसंद है? देखिए कैसे बनाया है मैंने।
ये एकदम प्योर देसी है, मतलब खेत का है। एक कस्टमर ने दिया था हमें खाने के लिए, बहुत अच्छा लगा है, एकदम प्योर है ना। बहुत टेस्टी हुआ है, बहुत टेस्टी। स्पून से उठता ही नहीं है। तो मेरा फिनिश हो गया है। अगर मेरा वीडियो देख के आप लोगों को अच्छा लगते हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो क्या बोलूँ, कोशिश करूँगी अच्छा लगाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अगर अच्छा लगे तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, चैनल पे अगर कोई नया आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, और नोटिफिकेशन मिलते ही आप लोग मेरे घर पे पधारे मतलब दावत के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।